आजादी के बाद एक ऐसा वक्त था जब भारत गेहूं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, मगर किसानों व कृषि वैज्ञानिकों की बदौलत आज भारत गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो बना ही है, साथ में गेहूं के लिए अब बाकी के देश भारत पर निर्भर है, जिसके साथ ही गेहूं भारत की प्रमुख फसल बन चुकी है। मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। सरकार ने गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए रणनीति तैयार की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 में सबसे अधिक 129.42 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की बिक्री की गयी, जिसके बाद वर्ष 2021-22 के दौरान 128,15,000 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी दर्ज की गयी। अब सरकार इस साल गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रणनीति लेकर आई है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को उनके गेहूं के लिए सही कीमत दिलाने के लिए शरबती गेहूं पर जीआई टैग पाने की प्रक्रिया पर खासा ध्यान दे रही है, जिसके लिए सरकार ने किसानों से गेहूं की सीधी खरीद के लिए 4500 से अधिक उपार्जन केंद्र भी स्थापित कर दिए हैं। इससे किसानों के साथ साथ राज्य सरकार को भी गेहूं के प्रबंधन में मदद मिलेगी। इसके अलावा राज्य के किसानों के लिए सिंचाई की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। नहर सिंचाई के तहत 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, जो उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों के लिए एक अच्छा स्रोत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।